कोई चेक ही नहीं आज। चलो ठीक है भाई, R15 ना रेड कलर में बड़ी सेक्सी लगती है, मुझे पता नहीं क्यों। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। क्या हाल चाल आप सबके? और भाई अभी जा रहे हैं फिलहाल BHL, जा रहा हूँ भाई। एक्चुअली यार काफ़ी टाइम से सोचता था वीडियो बनाऊँ और बाइक ना दो दिन पहले तैयार हो गई थी, लेकिन ना बारिश के कारण वीडियो बना नहीं पाया। तो आज फाइनली धूप निकल चुकी है। वैसे आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि इसके अंदर, बाइक के अंदर ना जो थीम हमने सेलेक्ट करी है वो है ब्लैक और गोल्डन, और उसके साथ साथ भाई क्या क्या चीज़ें मैं इसके अंदर चेंज कराई है और क्या क्या इसके अंदर थीम दी है पूरी टोटल, वो आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आई होप आपको जो बाइक है वो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, साथ साथ कमेंट करके बता देना कैसी लगी। तो अभी आपको बताता हूँ भाई, मैंने ना इसके अंदर DP कलर लगा रखा है, और DP कलर से लगा रखा भाई एक्चुअली ना मार्च एंडिंग चल रही है, और वैसे भी ना लोकल में इतना घूमता नहीं हूँ। क्या लग रही है भाई रंगीन। तो वैसे भी मैं लोकल में इतना घूमता नहीं भाई, क्योंकि सुबह शॉप पे चला जाता हूँ, फिर रात को ही वहाँ से टाइम मिलता निकलने का रिएक्शन। एक्चुअली ना DP कलर के बिना रिएक्शन तो अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन बस थोड़ी वही दिक्कत है भाई, लोकल के लोगों ने परेशान नहीं करना चाहता। तो आज है संडे और आज सुबह भाई बारिश हो रही थी, इस वजह से ना हम लोग राइड पर नहीं जा पाए। लेकिन ना मैंने काफ़ी सारी नई नई चीज़ें जो है इसके अंदर ऑर्डर कर रखी थी अपने बाइक के, अपने हेलमेट के अंदर कुछ नया इंस्टॉल किया है, कुछ नई एसेसरीज मंगाई है GoPro की, तो आने वाली वीडियो में उसका भी कंपैरिजन कर दूंगा। फिलहाल मुझे लगता है ये जगह सही है, तो यहाँ पे ना आप लोग सिनेमेटिक एंजॉय करो। इन 3, 2, 1 गो। सो गाइज, अभी जो आप सिनेमैटिक एंजॉय किए वो रिशु भाई ने एक्चुअली क्लिक करा है, और ये बताना एक बार कमेंट करें कैसे लगे सिनेमैटिक, और रिएक्शन देख सकते हैं भाई, जहाँ पे भाई खड़े होते हैं कुछ ऐसे रिएक्शन आते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। क्या लगा? थैंक यू भैया। और सब बढ़िया? हाँ जी, सही लग रही है, फिर तो पैसा वसूल हो गया। तो गाइज कुछ ये रिएक्शन आता है भाई बाइक को देख के, और काफ़ी सही लग रही है बाइक एक्चुअली, मुझे तो भाई पर्सनली बहुत सही लगी। और ये भी चीज़ बार सही हो गई कि ब्लैक कलर को हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसके ऊपर ही रैप हो जाएगी, गोल्डन हट जाएगा, कुछ और लग जाएगा। सो गाइज, अभी आपने जो सिनेमैटिक एंजॉय किया वो मैंने आपको बताया कि ऋषि भाई ने बनाया था, मैं आपको ना प्रॉपर डिटेल में बताता हूँ कि बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं। अब आपको एक बार फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट पर आ जाइए, और फ्रंट पर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ना ये नीचे से इसका जो मरगाड़ है इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं भाई, यहाँ पे एक हल्का सा गोल्डन टच दिया हम लोगों ने, और मैं ना अभी कुछ टाइम बाद इस पर ABS भी कराने वाला हूँ। इसके ऊपर ना एक्चुअली ABS लिखा हुआ था, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो अभी शेप भी आ रही है, तो ब्लैक कलर में इसके ऊपर ABS लिखाना बाकी है, वो मैं करा लूँगा या दो दिन के साथ साथ में। जो हमने टच दिया यहाँ पे गोल्डन दिया, इस साइड भी सेम दिया है, और यहाँ पे हल्का सा ये उसकी Kawasaki के लोगों के साथ मेरी चीज़ करवाई है, ये चीज़ अच्छी लग रही है। हालांकि लोगों मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है इसको, हो सकता है मैं कुछ टाइम बाद छोटा करा लूँ। उसके साथ जहाँ पे हमारे लोगों का Kawasaki का, यहाँ पे भी हमने ब्लैक कलर लोगा था, उसके ऊपर ही गोल्डन करा दिया अपना, साथ साथ इसके यहाँ पे टच दे रखा है, और ये ना हल्के सा कुछ मार्बल शेप में आपको फील आ रही होगी, तो ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। इस बार ना हल्का सा मार्बल टच लग रहा है। इस बार ना एक्चुअली हमने जो जी का लोगो था वो हटा दिया बाइक के अंदर, और उसकी जगह दे दिया जी का ही नया लुक, और ये जो जी का साइन है भाई, मैंने खुद सोचा था कि इस बार ना कुछ ऐसा करेंगे, तो ये चेक कर सकते हो ये कितना प्यार लग रहा है। दोनों साइड हमने करवाया, साथ साथ में जो इसकी जो लाइट है ना भाई, ये हमने चेंज करवाई है, HJG लाइट इसके अंदर इंस्टॉल कराई गई है। एक्चुअली इसकी जो लाइट है भाई वो ना थोड़ी कम लगती थी, तो अभी से लगने के बाद वो कमी जो है वो पूरी हो चुकी है हमारी। तो उसके बाद ना मैंने यहाँ पे नोस्टो लिखवाया, अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि भाई यहाँ पे ना ये लाइट इसको हाइड कर दी है, बाकी अगर आप इसकी लाइट के बिना देखते हो तो काफ़ी अच्छा लगता। उसके बाद मैंने हल्का सा ये टैंक के ऊपर यहाँ पे हल्का सा गोल्डन टच दिया दोनों साइड, और यहाँ से बात करते हैं दूसरी साइड, तो यहाँ पे हल्का सा हमने जो इसका गोल्डन है भाई, एक्चुअली जिससे मैंने रैप कराई उसी दिन बारिश हो गई, और ये हल्के से ना पानी के निशान के ऊपर आ रखे हैं, और यहाँ पे अपना वो चैनल का नाम है वो लिखवाया डेजल लाइटर, अगर आप लोग नए तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। उसके साथ ना मैंने यहाँ पे एक सामने भी लिखवाया, एक बार ये दोबारा दिखा दूँ, सामने यहाँ पे डेजल लाइटर लिखवाया होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये गोल्डन कलर का मैंने कराया भाई, क्योंकि ना इसका जो थीम है बाइक का वो पूरा मैच कर रहा है, और इस साइड भी सेम एज इट इज़ है आप देख सकते हो भाई। और उसके बाद ना इंजन के ऊपर मैंने दोनों साइड यहाँ पे Kawasaki लोगो बनवाया, और अब बात करते हैं बैक साइड की भाई। सो गाइस, बैक साइड में ना हल्का सा मैंने जी के साथ ये 900 लिखवाया, तो ये भी लोगों मैंने अलग से लिखवाया इस बार, और यहाँ पे ना बात करते हैं यहाँ पे टेल लाइटिंग के ऊपर, तो ये जो गोल्डन कलर का मैंने हल्का सा थीम इसमें टच दिया, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बैक साइड से, हालांकि पीछे साइड से इतना दिखता, लेकिन जब आप ऊपर से देखें तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद बात करते हैं भाई टेल लाइट की, तो भाई ये ना काफ़ी प्यारी लग रही है जो बैक लाइट इसकी है बाइक की, इसके ऊपर मैंने जी का साइन बनवा दिया, ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो दिखा चुका हूँ, ये देख सकते हैं। एक्चुअली जो आपने सिनेमैटिक एंजॉय किया उसके अंदर आपको पता लग रहा होगा कि जब ये लाइट जलती है तो अलग ही आपको जी का साइन दिखाई देगा। उसके बाद बात करते हैं भाई अपने
नंबर प्लेट की ये भी मैंने हल्का सा ना ऐसे ऊपर ही हेड कराई है, क्योंकि इसका जो लुक है ना भाई इससे थोड़ा और बेटर हो गया बाइक का। अब बात करते हैं इसके बैक साइड टायर के बारे में, तो इसके बाद देख सकते हैं भाई बाइक के ऊपर ना यहाँ पे हल्का सा ना पहले जो है था, तो ये जो जी का साइन था ये इस बार नया इंस्टॉल कराया इसके अंदर, साथ साथ जो उसका जो भाई यहाँ पे ना हल्के से ग्रीन कलर की लाइनिंग थी आउटलाइन, तो यहाँ पे मैंने इसका गोल्डन करा दिया, पूरा जो ग्रीन साइड है उसको दोनों साइड गोल्डन करा दिया। और उसके बाद यहाँ पे हल्का से एक अपना नाम दिया बाइक के ऊपर डेजल लाइटर, और यहाँ पे एक हल्का सा जो स्क्रैच रखा है, जब ये मैंने नाम लिखवा था तभी पता लगा कि बाइक जब लास्ट टाइम गिरी थी किसी ने गिरा दी फोटो के चक्कर में, तो हल्का सा ना यहाँ पे स्क्रैच रखा है ये भी मुझे इस बार पता लगा है। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया भाई ये इसके अंदर लोगों मैंने फिट करा दिया दोनों साइड जो आपको बताया था, और ये चीज़ ना ये थोड़ा अलग करा है, और ये ना अगर आप दूर से देखते हो बाइक को तो काफ़ी प्यारा लुक देती है। अब बात करते हैं बाइक के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें कराई, एक्चुअली मैं पूरी बाइक की रैप रखी है पूरी बाइक, अगर आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि पेंट है फिनिशिंग चेक कर सकते हो, एक बार कमेंट बता देना कि फिनिशिंग कैसे लगी आपको बाइक की, पास से भी देखो भाई तब भी आपको लगेगा कि पेंट करा रखी है, लेकिन नहीं भाई ये पेंट नहीं है ये रैप है, खाली जो पेंट हुआ ना वो स्प्रे वाला पेंट हुआ है टेम्प्रेरी पेंट, जो कि इसका जो चेसिस बॉडी है इसके ऊपर कराया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई परमानेंट नहीं है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इसको डीजल से वॉश करा सकते हो या फिर पेट्रोल से वॉश करा सकते हो, कि बाइक का लुक एक बार आपको कैसा लगा वो बता देना। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ भाई ये ना जो टैंक की जो ग्रिप है ट्रैक्शन पैड से बोलते हैं ये एक्चुअली हमारी ख़राब हो रही है, तो मैं अगली वीडियो में शायद ये भी हमारी आ जाएगी ऑर्डर कर रखी है। उसके बाद बात करता भाई मैंने आपको बताया था कि एक एसएससी मैंने ऑर्डर कर रखी है वो आने वाली है, तो वो एसएससी क्या थी वो था हमारा सीट कवर, वो एक्चुअली हमें ब्लैक कलर में नहीं मिल रहा अभी थोड़ा दूसरे कलर मिल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कोशिश करूँ कि अगर ब्लैक कलर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज जो बाकी कलर है उसे लेके उसके ऊपर ब्लैक कलर हम पेंट करा दें वो भी शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मिरर्स है भाई ये मैंने वो ही ठीक हो चुका है मेरा, कुछ नया इंस्टॉल नहीं करा मिरर्स मेरा एज इट इज़ है, खाली मैंने इसके अंदर जो इंस्टॉल कराया उसकी लाइटिंग है और रैपिंग है और दो तीन एसएससी जो मैंने आपको बताया, इसका जो ट्रैक्शन पैड है टैंक पैड है वो आने वाला है, साथ साथ सीट कवर आने वाला है। एक चीज़ आगे थी भाई एक बार आगे दिखाऊँ, एक्चुअली जो इंडिकेटर है ना जो इसके फ्रंट इंडिकेटर है इसको मैंने रैप कराया और इस पर ना हल्का सा जो ट्रांसपेरेंट स्मोक साइड की जो लेमिनेशन आती है वो कराई है, इसको हल्का सा स्मोक टच मैंने दिया है। सो गाइज एट दी एंड गोप्रो पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना भूल गया, सबसे मेन चीज़ जो है एक्चुअली जो नंबर प्लेट है वो बाइक की पहले यहाँ पे होती थी और मैंने इस बार इसको इंस्टॉल कराया नीचे की साइड। सो गाइज जो नंबर प्लेट नीचे कराया इस बार वो इसका लुक कैसा आ रहा है ये भी आप लोग कमेंट कर बताना। जो नंबर प्लेट भाई यहाँ पे होती थी ना ओपन वो हल्का सा मुझे लगता है बाइक का जो शो है वो खराब करती थी, लेकिन बाइक की जो नंबर प्लेट है वो नीचे लग चुकी है तो अब अच्छा से लुक आ रहा है बाइक का। उसके बाद बात करते हैं भाई अपने बैग के बारे में, मैंने आपको बैग का बताया था कि बैग के अंदर मैंने कुछ नया कराया, ये चेक कर सकते हो भाई ये अपना जो बैग है ना इसके अंदर मैंने हल्का सा गोल्डन और ब्लैक टच दिया है जो अपनी बाइक का है, तो पूरी थीम्स के साथ मैच कर रखी है। और उसके साथ आपको हेलमेट का बताता हूँ, तो काफ़ी नई चीज़ें मैंने गोप्रो के लिए ली है, अब आपको देख रहे होंगे कि गोप्रो के ऊपर ना मीडियम मोड लगा होगा, पहले मैं यूज़ करता था माइक अडैप्टर और अब मैंने इसको चेंज किया तो अब मैंने इसका मीडियम मोड लिया, तो इसके भाई प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स है कुछ, मैं आपको मे बी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ उसके ऊपर ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। और उसके साथ साथ ना भाई मैंने दो तीन बाइक ऑर्डर कर रखी थी वो भी आ चुकी है, उसका भी एक बार मैं आपको कंपैरिजन आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा। बाकी बाइक एक बार आपको टोटली कैसी लगी वो बता देना, इसका जो गोल्डन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है वो कैसा लगा वो बता देना। तो अब मिलता हूं आपको डायरेक्ट गोप्रो मोड पे। सो गाइस यहां पे क्या अपना शूट था वो खत्म हो गया, तो अब यहां पे ना हल्का सा मैंने थोड़ी बहुत रील्स वगैरह के लिए कुछ दो चार वीडियो बनाई हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल आपको ऑन डिस्प्ले हो रहा होगा। अभी क्या एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मीडियम मोड यूज़ कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता सामने का जो एंगल है वो कैसा आ रहा होगा, आई होप अच्छा आ रहा हो। और इसके ना दो चार माउंट अभी और आने बाकी हैं, अगर वीडियो यहाँ तक देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिना लाइक के बिना मत जाना, बिना कमेंट के बिना मत जाया करो भाई। और अभी ना भाई मेरे पास कितनी सारी वीडियोस पेंडिंग है, यानी कि मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम वाइम का चक्कर पड़ रहा है, अभी वीडियोस कम आ रही है, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की। एक्चुअली तो आपको बताता हूँ जो अपना मीडियम मोड है भाई, रिएक्शन देखो भाई, जो अपना मीडियम मोड है उसकी आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, मीडियम मोड और माइक अडैप्टर दोनों चीज़ों का कंपैरिजन आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद वीडियो आएगी अपने जो माइक का कंपैरिजन है, तीन चार माइक मेरे पास पड़ी हुई है तो उनका भी कंपैरिजन करूँगा, तो वो भी वीडियोस आप लोगों के लिए जल्दी आ जाएगी। उसके बाद भाई काफ़ी दिन से एक वीडियो पेंडिंग चलती है हमारी यूट्यूब इनकम, जो कि हमारी ऑलरेडी आ चुकी है पहले यूट्यूब इनकम, और उन पैसों से भाई हम कुछ अच्छा करने वाले, वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकन दबा देना भाई ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर टाइम पर मिल जाए। हल्का सा ना जो मेमोरी ना भाई ये उतर गया तो उसको मैं जल्दी चेंज करवाने वाला हूँ, ये तो मैं खुद ही करता हूँ अपनी शॉप पर, तो एक या दो दिन में ये भी मैं चेंज कर दूँगा। तो आई होप आपको जो बाइक है अच्छी लगी होगी, तो एक अच्छे नोट के साथ वीडियो को यहीं एंड करता है, आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो भाई लाइक कर देना, साथ साथ कमेंट कर देना और बेल आइकन दबा देना, नए लोग सब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं आता भाई फ्री में होता है कर देना भाई। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा सारी डिटेल उस बारे में। और काफ़ी सारी नई एसएससी बाइक के अंदर इंस्टॉल होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। भीड़ क्यों लग रखी है भाई, कोई गड्ढे में गिर गया क्या? फ्रेंड्स की आँख देख रहे हो भाई, गटर के अंदर डेड बॉडी। अरे नहीं रुक के क्या करें भाई, ना छोड़ो, किसी ने मार के फेंक दिया होगा,
देख लो भाई कितना जमाना ख़राब आ गया, डेड बॉडी को यहाँ पे मार के यहाँ पे फेंक दिया। और इसीलिए कहते हैं भाई हर किसी के साथ ना प्यार से रहो, कोई दुश्मनी मत करो किसी से, इसको ला रखे। चलो देखें बाद में। सो गाइस आज तक ना मैं अपने जो GoPro था वो उल्टा यूज़ करता था, पहली बार ना मीडियम के साथ ऊपर साइड यूज़ किया है। तो जो कैसा रहेगा बता देना कमेंट करें कि वीडियो प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही।